लोकसभा के कार्यकाल में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से वो इंटरनेट पर ट्रोल सेशन बन गए हैं। लोकसभा में पहले तो उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई, फिर उसके बाद जो किया उसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपने भाषण को पूरा करने के तुरंत बाद राहुल गांधी अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उन्हें गले लगा लिया, जिस पर न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि पूरा देश भी हैरान रह गया। पहले तो उनकी इस हरकत को खुद पीएम भी नहीं समझ पाए, फिर जब राहुल मोदी को गले लगाकर वापस जाने लगे तो पीएम ने उन्हें वापस बुलाया, गले लगाया और राहुल की पीठ भी थपथपाई। वहीं राहुल के मिजाज को अब बॉलीवुड में भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। उनकी इस रवैये पर राजकुमार राव, विशाल दादानी और श्रुति सेठ समेत कई बॉलीवुड हस्तियां ने भी तरह तरह के राय दिए हैं। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि आज गले लगने का ऑफिशियल दिन है। अभिनेत्री श्रुति सेठ ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, सभी को गले लगाओ। इन्हीं के बीच संगीतकार विशाल दादानी ने भी अपने ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, गले लगाने के बारे में क्या बचपन है, ये वास्तव में मीठा था।